अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग विमेन इंसेंशन के मेंटोर सेशन के साथ एडवोकेट अमीना रशीद के साथ मौजूद हैं। आप लोगों की क्यूरीज बहुत ज़्यादा आ रही थी हमारे इनबॉक्सेस में और ईमेल्स में, और हमने चंद क्यूरीज को उठा के मेंटोर के सामने जो है फॉरवर्ड किया था। एंड देन वी आर हेयर टुडे विद दिस वेबिनार टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज जर्नल क्यूरीज जो है वो इन्हीं क्यूरीज के ओरिएंटेड थे। आई होप कि इन क्यूरीज का जवाब देकर मेंटोर अमीना आपको सही डायरेक्शन की तरफ ले जाएंगी। और इन द एंड ऑफ द सेशन स्लाइड्स के एंड में मेंटोर अमीना का पूरा डिटेल मौजूद है। यू गाइस कैन पर्सनली रीच हर एज वेल फॉर गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी। सो थैंक यू मेंटोर अमीना फॉर जॉइनिंग अस। बहुत हैक्टिक दिन था आज का। और अमीना, हम लोग शुरू करेंगे कुछ सवाल, जिनमें जो पहला सवाल हमारे पास आया था, मैं पढ़ना चाहूँगी ये सवाल। माई नेम इज मुनीरा अमीन। आई वर्क इन द रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, बट आई एम कॉन्स्टेंटली फेसिंग हरासमेंट, नॉट जस्ट फिजिकली बट वर्बली टू। वेयर एंड हाउ शुड आई कंप्लेन? It didn't work at the HR. I just have few evidence in my hand and I have no support from my colleagues. What is the best way out of this? अस्सलाम वालेकुम माहीन, और सब आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे इतना अप्रिशिएट करते हो और हमेशा बुलाते हो। और सेकंड ये है कि ये जो क्यूरी है रिगार्डिंग दी वर्क प्लेस हरासमेंट है, ठीक है। पहले तो पहले हम बात करेंगे कि जो हमारे पास अंडर पीपीसी जो हमारे पास लॉ मौजूद है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें हम मतलब पीपीसी के अंदर जो हमें प्रॉपर लॉ दिया गया है इंसल्टिंग मॉडेस्टी और कॉजिंग सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है। अब ये प्रॉपर ये लॉ है जिसके अंडर हम जो है किसी मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, एफआईआर लॉन्च कर पहले एफआईआर लॉन्च कर सकते हैं। अगर आपकी एफआईआर लॉन्च नहीं होती तो देन हम मैजिस्ट्रेट के पास भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये इस लॉ के अंडर अगर ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि किस तरह से आप मॉडेस्टी की इंसल्ट करते हो किसी औरत की और वो हरासमेंट क्या है उसको डिटेल बताया गया। सेकेंड ये है कि इसके लिए अंडर पीनल पीपीसी हमारे पास सेक्शन 509 में जो पनिशमेंट है वो 3 साल उम्र कैद है, 3 साल कैद है और 5 लाख रुपए जुर्माना मौजूद है, ठीक है। बट 2010 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट हरासमेंट ऑफ वुमेन एट द वर्क प्लेस एक्ट, एक प्रॉपर एक्ट जो है वो आया जिसके अंदर ये वर्क प्लेस हरासमेंट को जो है पूरा प्रॉपर उसमें डिस्कस किया गया। तो आपके पास ये लॉ प्रॉपर मौजूद है। अगर आपको एचआर डिपार्टमेंट आपको कोई कॉपरेट नहीं कर रहा आपका, या आपके आपके कुलीग्स आपको कोई अगर नहीं कर रहे, तो आप अपने जो आपका एरिया है जहाँ जो जिस एरिया में आप काम कर रहे हो वहाँ के थाने में पुलिस स्टेशन में जाके आप अपनी जो है कंप्लेन लिखवा सकते हैं। और वहाँ जाके अगर वो आपकी कंप्लेन एफआईआर वगैरह लॉन्च नहीं करते अंडर 509 पीपीसी, तो आप जाके मजिस्ट्रेट के पास भी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि मेरी एफआईआर नहीं काटी जा रही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। दूसरा सवाल ये है कि माई डिवोर्स वॉज 8 years बिफोर, माई चाइल्ड वॉज टेकन अवे बाई हिज फादर, स्टिल आई हैव नॉट एबल टू सॉल्व दिस मैटर। He is going to be 13 years now. Is there any law which works without any delays? I am financially burdened and giving up the hope to meet my son. Khalida Kayum from Lahore. मैम, खालदा कयूम आपके लिए, एक तो ये कहूँगी कि कोई भी उस लाहौर के एरिया में जितनी एनजीओज हैं वो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके आपके लिए काम करती हैं। आप वहाँ एनजीओ को किसी को अप्रोच करें और आप प्रॉपर केस फाइल करें। यहाँ पर एक लीगल मैक्सिम है जो
डिले डिफीट जस्टिस, आप जितना डिले करोगे जाहिर है आप उस इंसाफ से दूर होते चले जाओगे। तो आपको पहली फुर्सत में केस फाइल करना चाहिए। और अब चूंकि बहुत टाइम गुजर चुका है, 8 साल हो चुके हैं, तो अब अपना केस प्रॉपर फाइल करें कस्टडी के लिए। उसके ऊपर मैरिट्स डिसाइड किए जाएंगे कि वेलफेयर चाइल्ड की कहाँ पर है। मगर मीनवाइल आपको बच्चे की जो मीटिंग्स हैं, इंटरिम मीटिंग्स हैं, वो आपको अलाउ कर दी जाएंगी। तो उस जो जो आपके पास अभी लीगल वे है वो इंटरिम मीटिंग्स का है, तो वो इंटरिम मीटिंग्स लाजमी आप लें, उससे डिप्राइव मत हो। वो मीटिंग्स आपका राइट है, आप हमेशा आप उस बच्चे से मिल सकते हैं बींग अ मदर। और आपको आपको स्ट्रेट वे ये केस फाइल करना चाहिए। और कोई भी एनजीओ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम करते हैं। अगर आप कराची में होते तो हम आपको जरूर एंटरटेन करते थ्रू दिस वुमेन असेंशन, और हम आपका केस जरूर करते। मगर क्योंकि हमारी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, हम लाहौर के केसेस नहीं करते, तो आप वहां पर अप्रोच करें। अमीना, नेक्स्ट तीसरा सवाल यह है, आई हैव लॉस्ट द राइट ऑफ हिजानत ऑफ माई चिल्ड्रन। आई वॉज अक्यूज ऑफ नॉट लेटिंग देम मीट देयर फादर एंड आई वॉज ब्लेम्ड टू नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई चिल्ड्रन एज आई वॉज वर्किंग एट द कंपनी। माई चिल्ड्रन आर 5 and 3 years ओल्ड, बोथ मेल। वॉट शुड आई डू? आई एम नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। जवेरिया खान, पेशावर। ओके अच्छा, जवेरिया खान पिशावर। अब ये भी डिफरेंट सिटी का केस है, तो इसमें तो सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर दूं कि व्हाट इज हजानत। हजानत इज दी कस्टडी, ठीक है। कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड इज नॉट विद हर, ठीक है। अब इसको भी यही मसला है कि अब तो इसके एक तो एक्चुअली दो बेटे हैं, ठीक है। उसके लिए अब अगर हम कोई अगर दो माइनर्स अगर गर्ल्स हैं या बेबी गर्ल्स हैं, तो उनके लिए हमें हमारे पास ये है कि टिल दी मैरिज ऑफ दैट माइनर हम उसकी कस्टडी माँ को देते हैं, ठीक है। अब इनकी टिल दी मेजोरिटी बच्चों की जो एज है उसमें हम तब तक बाप कस्टडी नहीं ले सकता जब तक वो मेजर नहीं हो जाते। स्टिल अभी तक अभी आपके पास राइट मौजूद है कि आप 5 साल का बच्चा, एक बच्चा आपका 3 साल का है, तो तुम भी कोर्ट आप इजीली अप्रोच कर सकते हो कोर्ट को और अपना केस मैरिट पे डिसाइड करें। कोर्ट ये कंक्लूड करेगी कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ पर है, उसके बाद कस्टडी डिसाइड की जाएगी। और अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो आपके लिए भी यही एडवाइस है। डिफरेंट एनजीओ जो हैं, कई ऐसे वकला होते हैं जो उसमें प्रोबोनो केसेस कर रहे होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आप उन एनजीओ को अप्रोच करें जो आपके फ्री ऑफ कॉस्ट आपके केसेस जो है उसके सारे एक्सपेंडिचर बेयर करेंगी और उनके थ्रू आप केस फाइल करवाएं। थैंक यू यस अमीना। अमीना, चौथा सवाल ये है कि आई एम गोइंग टू फाइल फॉर डिवोर्स। वी हैव अ 3 years old अडॉप्टेड चाइल्ड इन आर मैरिज। वी बोथ लव हर। हाउ कैन वी सॉल्व द मैटर ऑफ द कस्टडी? आई एम नॉट विलिंग टू गिव हर अवे टू रेज हर इन दैट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट। असमा जमील, कराची। यस देखो, पहली बात तो ये बच्चा जो भी एडॉप्टेड चाइल्ड है ये आपकी डिवोर्स में हर्डल नहीं है, ठीक है। अगर ये बच्चा चाहे बाप रखता है इसका अडॉप्टेड या आप रखते हो, तो दोनों को जो है लीगल प्रोसीजर से गुजरना है। उसको लॉफुल कस्टडी चाहिए होगी। उस लॉफुल कस्टडी के लिए अंडर सेक्शन 7 ऑफ गार्डियन एंड वार्ड हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं जिसके थ्रू हमें गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट इशू करती है। तो उस कस्टडी के लिए आपको लॉफुल कस्टडी के लिए आपको इस लीगल प्रोसीजर से भी गुजरना होगा। तो कोई भी अगर बच्चे की कस्टडी है उसको उन मैरिट्स को देखते हुए डिसाइड किया जाता है कि कहाँ बच्चे की आया वेलफेयर है, तो उसके बाद ये चीजें डिसाइड की जाएंगी।
तो ये बच्चा आपकी आपकी डिवोर्स में हर्डल इस तरह से नहीं है कि दोनों, अगर बाप भी रखता है, उसका एडॉप्टेड बाप भी रखता है या आप रखते हो, कोई भी कस्टडी इसकी रखता है, तो दोनों को सेम प्रोसीजर से गुजरना होगा। और इस प्रोसीजर के लिए आपको कोर्ट आना है, दोनों, चाहे आप फाइल करो चाहे वो फाइल करें आपके हस्बैंड, तो उनको सेक्शन 7 की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी होगी, जिसके थ्रू गार्डियनशिप सर्टिफिकेट कोर्ट इशू करेगी और जिसको कस्टडी दी जाएगी। जी अमीना, नेक्स्ट सवाल ये है कि काइंडली हाईलाइट मी अबाउट द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड, जहरा अब्बासी कराची। अच्छा, जहरा अवासी, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। देखो, ये भी ये कोर्ट के मैरिट्स हैं कि किस तरह से बच्चे की वेलफेयर को देखा जाएगा। तो अब इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि जिसमें आप पहली तो बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट देखे जाएंगे कि कौन कौन अच्छे से इसकी वेलफेयर और इसकी अपब्रिंगिंग अप कर सकता है। उसके बाद इसकी एजुकेशन को कौन अच्छे से आप ब्रिंग कर सकता है, फिर उसकी उसकी जो जो घर के माहौल को, हर चीज को देखते हुए कोर्ट ये चीजें डिसाइड करती है कि इसको अच्छा शेल्टर, क्लोथिंग, इसको इसके घर के जो जिस एटमॉस्फेयर में इसको भेजा जा रहा है, चाहे वो इसके मदर की तरफ से है चाहे वो फादर की तरफ से है, वो कितना लविंग है, कितना सपोर्टिव है, कितना अप्रिशिएटिंग है, हर चीज को देखते हुए कि बच्चे की जो वेलफेयर है, आया इस घर में, इसकी अपब्रिंगिंग अच्छे से हो सकती है या नहीं हो सकती, या माँ अच्छे से रख सकती है या बाप अच्छे से रख सकता है, उसकी हर तरह से उन मैरिट्स को देखते हुए कोर्ट डिसाइड करती है कि बच्चे की वेलफेयर कहाँ। ओके मीना,